खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तिमारपुर में तेज रफ्तार स्कूल वैन ऑटो से टकराई, 7 बच्चे घायल, 1 बच्चे की मौत। पुलिस नहीं पहुंचती तो खूंखार कुत्तों का निवाला बन जाता मासूम। सपा नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। राजधानी नई दिल्ली के तिमारपुर थाना इलाके में स्कूली बच्चों को ले जा रही कैब का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 6 से 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल वैन पलट गई। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना पुलिस की मुस्तैदी से एक नवजात की जान बच गई। इस बच्चे को शायद मरने के लिए गाजीपुर पेपर मार्केट के एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। अगर पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो नवजात कुत्तों का निवाला बन गया होता। ग्रेटर नोएडा के दादर कोतवाली एरिया के लुहारली गांव के रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को बदमाशों ने तब अंजाम दिया जब मोहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अपनी ड्यूटी कर वापस अपने गांव लौट रहा था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।